हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। देखिए, आज ये भी एक्सरसाइज आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन की ही है। मल्टीप्लिकेशन में आप चार एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये आपकी पांचवी एक्सरसाइज है। इसके पहले आपको हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें प्रॉपर्टीज आप मल्टीप्लिकेशन बताए थे, मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम आपको बताए थे इसके पहली वाली वीडियो में। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा जिसमें आपको पांच प्रॉपर्टी बताई गई थी, जिसमें पहला था ऑर्डर प्रॉपर्टी या कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी से बोलते हैं। उसमें क्या होता है, संख्याओं को ऑर्डर जो उसका जो क्रम होता है उसको हम बदल देते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 5 किए तो उतना ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद हम बदल दें अगर 5 मल्टीप्लाई 2 तब भी आएगा 10 ही, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। संख्या का क्रम बदल दिया जाता है, जो संख्या पहले थी वो बाद में, जो बाद में थी वो पहले। और दूसरा बताए थे उसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब संख्याएं दो से अधिक होती है, जैसे 3 संख्या 4 संख्या का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मान लीजिए करना हो, कोई भी संख्या रहेगी, हम आपको छोटा सा बता रहे हैं। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, दो संख्याओं का ग्रुप बना लिया जाता है। पहले हम एट फर्स्ट 2 संख्या का ही तो करेंगे, तो किसी 2 संख्या को हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं। अब देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 4 2 जा 8 और ये 3 का, ठीक है, क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब अगर हम इस ग्रुप को, ये जो दो ग्रुप में थे इनको अगर हम इस ग्रुप में कर दें, 2 को अलग कर दें, जैसे अगर हम लिख दें 2 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में यहां हम लिख दें 4 मल्टीप्लाई 3। देखिए, संख्याएं तो वही है, मल्टीप्लीकेशन सबके बीच में लगा हुआ है, लेकिन क्या है, ये ग्रुप अब बदल गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई और ये 12, तो 12 का 2 में फिर मल्टीप्लाई करें हम, क्या होगा, 24 होगा, तो आंसर तो वही आया, ठीक है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, वही ग्रुप बदल दिया जाता है, पहले हम इसका ग्रुप बनाए थे और बाद में इसका हम ग्रुप बना दिए, लेकिन आंसर आएगा सेम। अगली प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, किसी भी संख्या का अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या खुद आ जाती है, जैसे जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई करें 1 में तो वो संख्या खुद आ जाएगी, क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, 5 5 5 1 5 5, ठीक है। 20 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से क्या होगा, 20 होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है 1 की, इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या खुद वही रहती है। अगला आपको बताए थे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 की जो मल्टीप्लीकेशन होता है, अब किसी भी संख्या का अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या खुद 0 हो जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो संख्या 0 हो जाएगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। अगर ये इतनी बड़ी संख्या है, 0 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, संख्याओं को बांट दिया जाता है, जैसे इस तरह का अगर हो 2 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं, क्या करते हैं, 20 प्लस 5 करेंगे 25 तो आ जाएगा, ये तो अब कर सकते हैं। तो क्या किया गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हम 5 प्रॉपर्टी आपको बताए थे जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं अगली हमारी जो एक्सरसाइज इस समय ओपन होने वाली है, ये है 4.5। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रॉपर्टी के बेस पे ही, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें देखिए टिक करना, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट विल बी। अगर कह रहा है कि 2 100 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ठीक है, 2 का और 100 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ये 2 है और ये 100 है, तो कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट होगा यानी जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे उसमें कितने जीरो होंगे, उसमें कितने जो है जीरो होंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई जो होता है 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000 यानी वन के बाद जीरो वाली जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, वन के बाद जो जीरो वाली संख्याएं होती है ना, ये कितनों भी जीरो हो, जैसे 10 है, 100 है, 1000, 10,000, जो भी ये संख्याएं वन के बाद जो जीरो वाली होती है उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, जितने जीरो होते हैं वन के बाद उतना हम जीरो लिख देते हैं संख्या। जैसे हम यहाँ देखिए 25 लिखें और मल्टीप्लाई करें 100 से, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कैसे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये 10, 100, 1000, 10,000 यानी वन के बाद जीरो हो, यहाँ पे कोई दूसरी संख्या वन के अलावा ना हो। तो क्या करते हैं हम 25 लिख करके, अब इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ हम 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उतना ही प्राप्त होगा, 100 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें इस तरह का, तब भी दो ही आएगा, जीरो होगा, जीरो होगा, 5 होगा, फिर 2 का 0, 0, 2 ऐड कर देंगे, 0, 0, 5, 2, तो क्या आया 2500, 2500 आया वही। तो क्या करते हैं हम, वन अगर है यानी 10,000 वाली अगर संख्या है तो वन के बाद जितने जीरो हैं हम नॉर्मली रख देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां कह रहा है कितने जीरो होंगे अगर 2 का और 100 का मल्टीप्लाई हो, 2 और 100 का अगर मल्टीप्लाई हो तो कितने जीरो होंगे, तो 2 के बाद कितने जीरो हम लगाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, तो 2 के बाद 2 जीरो होंगे, तो आपसे पूछा था कितने जीरो, तो यहाँ 2 जीरो पे हम टिक लगा देंगे। अगला देखिए 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिया है 4 मल्टीप्लाई 6 विल बी इक्वल टू, तो ये कह रहा है किसके इक्वल टू होगा, मीन्स किस संख्या के बराबर का होगा। अब इसमें देखिए ये 3 संख्याएं हैं, तीनों मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, और ये ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है, 4 और 6 का। तो इसमें अब आप देखिए ये जो है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इसमें ये सही है, बट आप देख रहे होंगे कि यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, किसी भी संख्या का हम ग्रुप कर सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा, अभी आपको यहाँ बताए थे ये प्लस लगा ये गलत है, ये कह रहा है दोनों, तो हमारा क्या है पहला सही है। सी में देखिए 85 कैन बी रिटन है, इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, अभी हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए थे कि 85 को हम 80+5 कर सकते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही है। फिलिंग द ब्लैंक्स इसको कह रहा है, फिल करके बताइए क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी के आधार पे ही दिया गया है। देखिए 23 मल्टीप्लाई 42 इक्वल टू, अब इधर जितनी संख्या है उतनी संख्या इधर भी होनी चाहिए, 42 दिया है, अब हम क्या लिख देंगे 23, लेकिन क्या है संख्याओं का स्थान बदल गया है, 23 पहले था और ये बाद में था, तो ये पहले हो गया ये बाद में हो गया, तो ये आप जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसमें स्थान बदल दिया गया है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सी 4 × 100 तो क्या हो जाएगा 400, 100 है 20 है, 20 हम लगा देंगे जैसे आपको अभी हम बताए थे। तो इस तरह से जो है आगे देखिए 8 × 56 इक्वल टू 8 × 50। अब 56 को हम दो भाग में बांट सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार, तो क्या लिखेंगे यहां हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1 का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपको बताया थे क्या आएगा, वही संख्या रहेगी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2305 यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से आप कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से आप कर लेंगे। स्टेट द प्रॉपर्टी यूजिंग द फॉलोइंग, अब ये कह रहा है बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है, देखिए 12 × 15 15 × 12। अब क्या आप देख रहे हैं जो संख्या पहले थी वो लास्ट में है, जो लास्ट में थी वो पहले है, तो क्या है ये ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो यहां हम लिख देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। बी में देखिए 16 × 80 × 2। अब यहां देखिए जो ब्रैकेट बना था वो ब्रैकेट का स्थान बदल गया है, पहले 16 और 18 पे था, अब क्या है 18 और 2 पे है, तो क्या हो गया ये ग्रुप बदल रहा है, तो क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है प्रॉपर्टी। सी देखिए 84 × ब्रैकेट में दिया है 12 + 27। अब यहां पे देखिए क्या है 84 × 12 फिर प्लस कर दिया है, यहां पे प्लस था ये जो ब्रैकेट में है ये प्लस में था, और फिर देखिए मल्टीप्लाई किया गया है 84 का 12 से और फिर मल्टीप्लाई किया गया है 84 का 27 से, तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें संख्याओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बुक से आप स्पेलिंग देख लीजिएगा सही से नहीं राइट हो रहा है। और नीचे दिया है 405 × 1 = 405, तो इसमें आप देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया वही संख्या आई है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये आपका लास्ट वाला था। तो इस तरह से ऑर्डर ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये आपको दिया था, इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की गई है, ये चारों आपकी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज किए गए हैं। तो ये आपका 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कितने 3 क्वेश्चन हुआ 4, 5, 6, 7, 8। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।